हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो फिर सोने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आ चुका हूँ और अभी मैं आटे को लगा के रख रही हूँ। बिहान मेरे साथ ही उठ गया था, तो बिहान भी मेरे साथ साथ ही किचन में आ चुका है और बिहान को अभी काम करना है। बिहान का सोने का रूटीन ना चेंज होते रहता है, कभी लेट करके सोते हैं और कुछ दिनों से अभी बहुत मॉर्निंग में जल्दी उठ रहा है, मेरे से पहले भी कभी कभी उठ जाता है। और जब वो जल्दी उठ जाता है ना, तो मेरे को काम करने में लेट हो जाता है, नहीं तो वो आके किचन में आके ना ये करेगा वो करेगा ऐसा करता है। और बिहान उठ गया था तो इसीलिए मैं पहले ना दूध उसको पिला देती हूँ, उसके बाद मेरा काम करना मतलब किचन का जो खाना बनाना है वो मैं स्टार्ट करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत तरीके का सब्जी बचा हुआ था, वही सब्जी में मिला के एक सब्जी बना रही हूँ। एक्चुअली जब लौकी लेके आते हैं ना, एक दिन में एक लौकी मेरा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा बचा हुआ था और भी ऐसा टाइप का बहुत सारा सब्जी बचा हुआ था, तो वो सब्जी मिला के मैं बना रही हूँ। और मैं अभी ना बेड को उठा के रख रही हूँ, क्योंकि बेड ज़्यादा टाइम तक पड़े रहते हैं ना, तो बिहान उसके ऊपर ना गाड़ी लेके आ जाता है, फिर गंदा करते हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी उठाने का कोशिश करती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है। बोरुन आज जल्दी ड्यूटी चला गया है और ट्यूशन से बिहान को जब देख के आ रहा था ना, तो उस टाइम पे फ्लावर भी लेके आया है, तो मॉर्निंग के टाइम ना मैं भिंडी भाजी जो बनाऊंगी वो नहीं बना पाया है, टाइम नहीं था, और इसीलिए अभी मैं भिंडी का भाजी भी बना रही हूँ और उसके साथ साथ ना बोरुन एक लेके आया था मॉर्निंग के टाइम, तो अभी मैं एक को भी ट्रे में रखूँगी। और मोर सुपरमार्केट से लेके आया है, मोर से ले आने से ना थोड़ा महंगा ज़्यादा पड़ता है, 50 रुपीस महंगा पड़ता है, बाहर से 10 रुपीस करके लेता है, बट मोर से ना 350 लेता है, बट जो क्वालिटी है ना अच्छा है, मतलब इसमें ना इसे पहले भी मैंने यूज़ किया है, इसमें ख़राब नहीं निकलते हैं, बट बाहर से लेके आए थे ना तो 2-3 ऐसे ही ख़राब निकल जाता है, तो इसीलिए मोर में थोड़ा महंगा ले रहा है, तभी ले उधर से लेके आ रहा हूँ। ट्रे में फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ट्रे जलाने से ना मॉस्किटो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इधर तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मच्छर है, और मॉस्किटो जो ऑयल है ना वो लगाने से भी मॉस्किटो जाते नहीं है, तो कभी कभी ना मैं ट्रे जला के रखती हूँ और ट्रे जलाने से मॉस्किटो बहुत कम हो जाता है, बट खिड़की जो दरवाज़ा है ना वो सब बंद करके रखना पड़ेगा, और 1 घंटा तक घर में तो कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो बिहान जब बाहर जाते ना तो उस टाइम पे मैं जला के रखती हूँ। किचन मेरा क्लीन हो चुका है, तो अभी मैं बर्तन सेट नहीं करूँगी, क्योंकि बिहान को ले आने का टाइम हो चुका है, तो आज ना मैं अभी तक राइस नहीं बनाया, क्योंकि मॉर्निंग टाइम रोटी बनाया था, तो अभी मेरे को राइस बनाना है, सब मैंने रेडी करके जाऊंगी और बिहान को जब लेके आऊंगी ना तो उसके बाद मैं राइस चढ़ा दूंगी। हर कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिया है और अभी नहा के मैंने पूजा कर लिया है। राइस मैंने धो के रख दिया है, तो बिहान आने के बाद ना मैं राइस चढ़ा दूंगी, और बिहान आने से पहले राइस बन भी जाएगा,
तो मैं अभी ना जूस बना रही हूँ। अभी जो येलो कलर का ऑरेंज है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा भी है, बट दिखने में बहुत अच्छा है, बट इसके भी अंदर ना रस नहीं है। तो मैं वो उनको बोला है अभी ले आने के लिए ना कर दिया है, क्योंकि इतना महंगा भी है फिर अच्छा भी नहीं है। इवनिंग का टाइम है, बिहान भी सो के उठ चुका है, तो मच्छर के लिए ना धुआँ दे रहे हैं। और बिहान इसका जो आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका आवाज़ सुन के ना बिहान उठ चुका है, तो उसको देखना था। तो हम लोग बाहर आ गए हैं, बट इसका स्मेल ना बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए ना अभी घर के अंदर आ गया है और बाहर धुआँ दे रहे हैं ना, तो सब घर के अंदर मच्छर आ गया है। तो देखिए पूरा जो मॉस्किटो नेट है ना उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आज का वीडियो भी ना इतना ही तक, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।